मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अब शुक्रवार, शुक्रवार, शु 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 लगाइए क्र वार वार शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार के बाद पढ़िए ऊपर से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार। नेक्स्ट इज शनिवार। शनिवार। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम का टाइम है, इनफैक्ट रात आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये डिनर टाइम है और हम लोग यहां पे डिनर करने जा रहे हैं। पीहू को मैंने खिला दिया है, आज मैंने बनाया है पाव भाजी। अभी यहाँ पर मैं वर्मा जी की प्लेट लगा रही हूँ, वो ऑफिस से आ चुके हैं, तो पाव भाजी की रेसिपी नहीं शेयर किया है, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है जैसे कि मेरी फ्रेंड मेरे को लास्ट टाइम बताई थी। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा था एंड पसंद भी किया था, जो कि जिसमें मेरी फ्रेंड आई थी बताने के लिए कि कैसे भाजी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं, उसी स्टाइल में। तो बस यहाँ पे मैं गरम कर रही हूँ, थोड़े से दाल चावल भी रखे थे तो वर्मा जी बोले मुझे दाल चावल भी दे दो, तो वही मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ और उनको यहाँ पे मैं प्लेट लगा करके दूंगी। तो बस मैंने वहाँ पे प्लेट लगा दी है और वर्मा जी यहीं खाना स्टार्ट कर दिए, तो मैंने बोला आप आराम से वहाँ पैक करके खाओ, मैं आपको गरम गरम पाव देती जाऊँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा करारा करारा पाव सेक करके मुझे देना। तो मैंने कहा हाँ बाबा, मैं आपको गरम करारा ही पाव दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं भी अपनी प्लेट लेके आ गई थी, मैं खा रही थी तो मैंने देखा पीहू अपने वाइट बोर्ड पे बैठी कुछ कुछ लिख रही थी, तो वो यहाँ पे गिनतियाँ लिख रही है। हिंदी का ना, हिंदी का एग्ज़ाम है तो वो हिंदी की गिनतियाँ ही थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्ट लगता है, बट वो धीरे धीरे सीख रही है। चलिए चलिए चलिए, किचन में नहीं चलिए। बाय पीहू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। ये वाला मास्क आज पीहू नहीं लेके गई है। माँ, आज का वेदर अच्छा हो रहा है, गिलहरी पक्षी सब बोल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे जो प्लांट्स, ये देखिए, ये देखिए हमारी पीहू जा रही है। मस्त एकदम। ओके, तो जैसा कि आपने देखा ये नेक्स्ट डे हो चुका है, पीहू स्कूल जा चुकी है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ वर्मा जी का टिफ़िन, साथ में वही हमारा लंच हो जाता है, आप सबको पता ही है। और मैं आज यहाँ पे बना रही हूँ मसालेदार मसूर की दाल। आज वर्मा जी ने बोला मेरा दाल खाने का मन है, मैं टिफ़िन में दाल लेके जाऊँगा, सो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मसूर की दाल मैंने भिगो दिया था, उसमें मैंने नमक, हल्दी, थोड़ा सा तेल और टमाटर डाल करके मैं इसको 5 से 6 सीटी जो है वो लगा लूँगी। अभी अभी जस्ट मैंने पूजा करी है, ये देखिए गाइस। ओके गाइस, तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यहाँ पे अपनी कुछ शॉपिंग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ किया है। अमेजोन पे बहुत सारी सेल वगैरह चलती रहती है, तो वहाँ से शॉपिंग करते हैं तो कोई ना कोई अच्छा ऑफर मिल जाता है ना।
तो यहाँ पे मैं सबसे पहले, आप गर्मियाँ आ गई है ना, सबसे पहले मैं आपके साथ ये एक कॉटन की कुर्ती, जिसे कुर्ती की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वन पीस ड्रेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है ये। इसको आप स्नीकर वगैरह के साथ पहनेंगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। आप साइड में देख सकते हैं, मैंने इसको पहन करके दिखाया है एंड इसकी रील्स भी बनाई है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा इंस्टा पे, इंडियन ब्लॉगर बुलबुल मेरी सेम आईडी है। और मैं यहाँ पे आपको अपनी एक ये बोट की घड़ी दिखा रही हूँ, वॉच दिखा रही हूँ, ये मिस्टर वर्मा ने मुझे दिया था, बट इसकी लिंक आप लोग कई बार मांग चुके हैं तो मैं इसको आपको इसमें शो कर देती हूँ। काफ़ी अच्छी वॉच है, काफ़ी दिन चल जाती है, मतलब हफ्ते 10 दिन तो बहुत इजीली चल जाती है एक बार चार्ज करने के बाद। नेक्स्ट मेरा ये प्रोडक्ट है, ये लूफा है, बहुत अच्छा सॉफ्ट है, और बस थोड़ा सा सोप लेके या फिर बॉडी वॉश लेकर के इजीली आप इसे कर सकते हैं अपने बॉडी पे अप्लाई, काफ़ी सॉफ्ट है। इसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर मंगाया है वाइट टोन का पाउडर, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है ना, मेरा ये गर्मी एसेंशियल प्रोडक्ट ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, समर एसेंशियल प्रोडक्ट, तो ये बहुत अच्छा होता है, मतलब थोड़ा सा अप्लाई करते ही आपके फेस पे शाइन आ जाती है। मत करो पीयू, बैठो। कुछ कर लिए नहीं, ऐसे नहीं साफ करते हैं, ये बॉडी का है। नेक्स्ट मेरा ये एक बेल्ट है जो कि मैंने अमेजोन से लिया है, काफ़ी अच्छी है, इसमें कई कलर्स भी मिलते हैं, आप देख लीजिए आपको जो कलर अच्छा लगता है, तो इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये तो मस्ट हैव प्रोडक्ट है, इसको मैं जैसे ही मेरा ये ख़त्म होता है मैं बार बार इसको परचेज कर लेती हूँ, तो मेरा जो है वो ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा ही बचा था, उसके पहले ही मैंने इसको परचेज कर लिया है। ये है ट्रीचअप का हॉट ऑयल ट्रीटमेंट हेयर मास्क, इसको तो मैं खुद से खरीदती हूँ, कोई भी स्पॉन्सर नहीं होता है ये बहुत अच्छा है, ये आपके बालों को, अगर आपके बाल डैमेज हैं तो ये अच्छे से बालों को रिपेयर करता है, कैरेटिन ट्रीटमेंट ये आपको देता है। एंड नेक्स्ट मेरी एक ये कुर्ती है जो कि अभी आई है जस्ट, तो मैंने इसको आपके सामने ट्रायल करके दिखा दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती है, आजकल नायरा कट कुर्ती चल रही है, सिर्फ कुर्ती ही थी ये और इसमें पिजामा नहीं था, बट ये आई थिंक 650 के आसपास की कुर्ती है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड पहन करके भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, गले में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका वर्क है। तो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये हो गया है, इन सब में से आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है लिंक दे दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की, साथ में माई हॉल स्टोर की लिंक भी होगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, परचेज ज़रूर करिएगा, सेल स्टार्ट होने ही वाली है 7 तारीख से, तो आप लोग देखिए और जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। चलो चलते हैं ब्लॉग की तरफ। आज मैंने पीवी को ओट्स दिया था, मिल्क वाला ओट्स, तो मैं भी अभी वही खा लेती हूँ। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आज ओट्स ही खाऊंगी, हेल्दी है और इसमें काफ़ी फाइबर होता है तो अच्छा है। ये है मेरा ओट्स, इसमें थोड़े से नट्स डालेंगे, इसे ऐसा करने से और ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी सी गिरी डाल लीजिए, चिरौंजी डाल लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है, तो मैंने इसमें बादाम भी डाल लिया है। चलो अपने ओट्स को एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो मैंने दाल रख दी है सीटी लगने के लिए और मैंने यहाँ पे आटा लगाने के लिए पानी लिया है। अब मैं आटा को भी गूंथ दूंगी और फिर यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े लगाने थे, वो मैं कपड़े यहाँ पे लगा रही थी, तो वाटर लेवल मैं इसको तेज ज़्यादा कर रही थी क्योंकि आज मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसीलिए बस यहाँ पर मैं लिक्विड सोप डाल दूँगी। लिक्विड सोप जो है ऑटोमेटिक मशीन में ना लिक्विड सोप ही सही रहता है, अदरवाइज़ कपड़ों में सर्फ जो है वो लगा रह जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, सो इसलिए मैं यहाँ पर लिक्विड सोप ही यूज़ कर रही हूँ। बाय। मोटे नहीं दिखते। चलो जल्दी आना।
वेलकम बैक गाइज। अभी मैं अपना एक वीडियो शूट कर रही थी, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा मेकअप में दिख रही होंगी। गर्मी लगने लगी क्योंकि मैंने फ़ैन को बहुत स्लो कर रखा था और बोलते बोलते भी थकान हो जाती है। सो यही है। एंड हाँ, मैंने अभी कपड़े लगाए हैं, कपड़े मेरे वॉश हो रहे हैं। मैं अभी एक वीडियो शूट कर रही थी, वो शूट हो गया है, एडिटिंग वगैरह करूँगी। एंड हाँ, और क्या, आज पीहू का हिंदी का एग्ज़ाम है, हिंदी का वो एग्ज़ाम देने गई है। हिंदी लिखने में उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट नहीं, वो धीरे धीरे सीख रही है चीज़ों को, प्रॉब्लम नहीं। मतलब हिंदी की गिनती वगैरह थोड़ा सा ना भूल जाते हैं बच्चे इसीलिए। और क्या, कल पीहू का लास्ट पेपर है आईटी का, उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी। सो पीहू के ना आजकल बहुत वो है, नानी हाउस जाना है। आपको पता है, मैं ना लास्ट जनवरी में एक दिन के लिए अपने घर गई थी। अगर आपको याद होगा, मेरे मामी जी के बेटे की शादी थी, तब मैं एक दिन के लिए घर गई थी अपने। तब से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। और क्या, बुरा लगता है बट क्या कर सकते हैं। और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, ठीक है। जनवरी में गई थी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ओके, 12, 13, 14, 15, 16 महीने हो गए मैं अपने मायके नहीं गई। तो टाइम यूं ही निकल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है मुझे गए। तो देखते हैं क्या होता है, कब जाते हैं, आपके साथ तो शेयर करेंगे ही जो भी होगा। तो यही है। चलो अभी मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेती हूँ, आज ब्लॉग नहीं डालूंगी। ये वाला ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा, क्योंकि 11:15 हो रहा है और अभी मुझे एक और वीडियो एडिट करना है, जो मेरे को लाइव भी आज मैं लाइव कर दूँगी। सो वो है। एंड चलो अभी मैं कर लेती हूँ। आज मैंने खाने में बनाया है मसूर की दाल, सब्जी, रोटी। वर्मा जी को दे दिया है, वो लेके गए हैं। पीहू आ जाएगी तो फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे, सैलेड भी खाएंगे, खीरा, ठंडी ठंडा ठंडा अच्छा लगता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे पीहू जी आ चुकी हैं। कैसा था आज आपका हिंदी का एग्ज़ाम? अच्छा था। कल इनका लास्ट पेपर है आईटी का। लाइए मेरा ये दे दीजिए सामान। और अब मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड कर देती हूँ। हवा आ रही है यहाँ से, ये देखिए बाल उड़ रहे हैं तो पता चल रहा होगा, तो अच्छी हवा आती है इस विंडो से। इस व्लॉग का एंड करती हूँ। एंड जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर सेल का फ़ायदा उठाइए। 7 तारीख से सेल स्टार्ट हो रही है अमेज़ॉन पे, सो अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे आपको। चलो इस व्लॉग का एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। टेक केयर एंड बाय बाय।